दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सॉलिडवर्क के रिवॉल्व कमांड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस में लगातार डालता रहूँ। और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं न्यू पेज और लेते हैं फ्रंट प्लेन। तो हम लोग अपना पार्ट देख लेते हैं, हम लोग को बनाना क्या है। तो ये है हमारा पार्ट, इसे मैकेनिकल भाषा में कहते हैं पुली, जो हमें बनाना है। ये रिवॉल्व कमांड को बहुत ही इजी तरीके से आपको बता देगा। थोड़ा सा टफ है, पर बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिवॉल्व कमांड क्या करता है कि किसी भी स्केच को 360 डिग्री में एक्सट्रूड करता है और उसे एक गोले का लूप दे देता है। तो चलिए मैं पहले एक नॉर्मल सी चीज़ करके आपको दिखा देता हूँ, पर आपको इसके लिए हमेशा सेंटर लाइन का ही प्रयोग करना है, जो डॉटेड रूम में आती है। मान लीजिए आपको गलती से भी आपका लाइन नॉर्मल खिंच गया है, तो इसको हॉरिजेंटल कर लेते हैं, पहले वर्टिकल कर लेते हैं सॉरी। और आपकी जो लाइन है वो कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, तो आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके डॉटेड कर लीजिए। और आपको जब भी रिवॉल्व करना है तो वो इसी के थ्रू होगी, इसी के चार 360 चारों तरफ वो रिवॉल्व होगी। वो अगर लाइन इस तरह के होती तो रिवॉल्व अलग तरीके का होता। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि रिवॉल्व होता किस तरीके का। ये क्लिक कर लीजिए, चाहे ये मैं पार्ट दूर बनाता या पास बनाता तो भी ये रिवॉल्व कर देता। तो लेते हैं रिवॉल्व कमांड। तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, पर मैं यहाँ से आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ कि आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ लाइन। और ये देखिए, आपको अगर 360 नहीं देना है, कुछ एंगल में देना है, 180 देना है तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कट रहा है, जैसे मैं 300 डिग्री दे देता हूँ मान लीजिए। ये देखिए पैकमैन टाइप का बन गया है। तो ये करता है रिवॉल्व। तो चलिए इसको कर देते हैं डिलीट और शुरू करते हैं अपने पार्ट की ड्राइंग। डोंट से न्यू पेज ले लेते हैं, स्केच चालू करते हैं। तो देखते हैं अपने पार्ट में डायमेंशन क्या क्या दी गई हैं। तो अब हम जब पार्ट को बनाएंगे तो यहाँ से देख लेते हैं, हम इस पार्ट को हाफ कर देते हैं। मान लीजिए हमारी यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन खींची है, जो मैं बता रहा था आपको कंस्ट्रक्शन लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाइन खींचनी है। मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, चाहे तो आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर ड्राइंग जो है वो हॉरिजेंटल है, इसलिए मैं आपको हॉरिजेंटल ही बता दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले जो है हम लोग पुली का आकार दे देते हैं बिना डायमेंशन के, कुछ इस लाइन को बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक, तो ये कुछ देखिएगा आकार कुछ वैसा ही है पुली जैसा। बस आपको क्या करना है, आपको देनी है यहाँ पे डायमेंशन। तो डायमेंशन देख लेते हैं, यहाँ हम लोग ये दिया गया है 400, तो हम हाफ सेक्शन करते हैं इसका। तो सारी डायमेंशन जो है वो हमें हाफ लेनी है। मान लीजिए ये डाया है तो हमें रेडियस लेना है, तो यहाँ पे दिया गया है 400, तो हमें लेना है 200। तो नीचे वाली जो लाइन है, ओह सॉरी गलत क्लिक हो गया लगता है, डिलीट कर देते हैं 200। और यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे देखेंगे ये 5 mm है। ये सारी जो हैं ये सब जो हैं वो 5 mm ही है। तो हम सबसे पहले 5 mm दे देते हैं। अगर आपको बार बार डायमेंशन नहीं देना है तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ लाइन को इक्वल कैसे करते हैं। तो आपको सेलेक्ट किसी एक लाइन की आपको डायमेंशन जो है वो देनी पड़ेगी। तो आपने मान लीजिए कि इस लाइन की डायमेंशन दे दी है, तो आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबानी है
और सेलेक्ट करना है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो जो अब यहाँ पे देखेंगे, इक्वल का ऑप्शन अभी नहीं आया है, लगता है कंट्रोल जो की थी वो काम नहीं कर रही थी सही से। ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन इक्वल का। तो जिसकी आप डायमेंशन दे चुके हैं वो चेंज नहीं होगा, उसके अनुसार सारी चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए सारी 5 mm हो चुकी है। तो जो लाइन है वो सारी इक्वल हो चुकी है। तो देख लेते हैं अपना पार्ट को फिर से। तो ये जो 400 है, तो यहाँ पे भी ये 400 है, और ये देख लेते हैं अंदर जो वाला जो भाग है वो दिया गया 340। तो इसका कर लेते हैं आगा आधा 170। तो यहाँ से जो है स्मार्ट डायमेंशन लेके आपको करना है इस लाइन पे क्लिक और करना है यहाँ क्लिक, तो ये 170, तो ये हो गया। फिर से जाएंगे हम लोग इसमें, अब देखेंगे कि किसी न किसी एंगल पे ये सब मुड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे शो नहीं किया गया है, पर हम लोग यहाँ पे जो है एंगल दे देते हैं। या फिर ऐसा करिए आप, इसकी दूरी हम लोग देख लेते हैं कितनी है, 50 mm, यहाँ से यहाँ की दूरी है 50 mm, ये हो गई 50 mm। अब जो है यहाँ का जो मिड पॉइंट है आपको वो सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करना है ये वाली ऊपर लाइन, आप ये कर दीजिए 25, तो ये ऑलरेडी आपका बीच में आ जाएगा, आपको कुछ एंगल एंगल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी प्रकार से इसकी भी देनी है 50 mm, सेम कर लेते हैं बिल्कुल इसको ऐसे 20। तो ये हो गया है बिल्कुल इक्वल। अब देख लेते हैं इमेज, ऊपर का भाग जो है वो है 200, तो कर लेंगे 100 mm, और ये दिया गया 140, तो करना है 70 mm। ओ यहाँ पे देखिए ये लाइन बाहर निकली हुई है, तो इसमें हो सकती है डायमेंशन आपकी गलत, तो आप इस भाग को कर लें ट्रिम, ये हो गया ट्रिम। अब दें 100 mm, और यहाँ के नीचे का देना है आपको 70 mm। अब आप क्या करें, ये जो लाइन दी गई है आपको इसके कोइंसिडेंस कर देना है, कोलिनियर का जो ऑप्शन है उसका प्रयोग करना है आपको, देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ही आ जाएगी। तो ये हो चुका है हमारा, पूरी डायमेंशन क्लियर हो चुकी है। तो स्केच को कर देते हैं हम लोग बंद। ये देखिए आपको करना है रिवॉल्व का ऑप्शन लेना है, यस करना है, और ये लीजिए आपका ये तैयार हो गया। अब कुछ ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन प्रयोग करना है, और यहाँ पे की काटी जाती है इसमें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको दिया गया है रेडियस 50 mm का, तो यहाँ पे 100 mm का कट लगेगा, जो आपको फेस यहाँ पे भी स्केच चालू करके कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से ले लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। ये हो गया 100 mm का, अब कट कर देते हैं थ्रू और, या ब्लाइंड से भी कर सकते थे। तो ये हो गया कट। अब हम लोग को काटनी है की, तो की कैसे काटनी है, की का साइज देख लेते हैं।
दिया गया है 20 × 10। तो 20 जो है वो ये वाली लेंथ है 20 इधर से इधर, और 10 जो दी गई वो यहाँ से यहाँ तक की। तो ठीक है, हम लोग लेते हैं सेंटर रेक्टेंगल, यहाँ के पॉइंट्स बना लेते हैं। आप दे दीजिए दोनों तरफ की जो साइज है वो 20 20 mm कर दीजिए, क्योंकि ऊपर का भाग जो है वो तो कटना नहीं है। आप जैसे करेंगे थ्रू ऑल और डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये आपका कट गया। ओह, एक्सट्रूड हो गया, सॉरी। आपको करना है कट, आप इसके सेलेक्ट करिए थ्रू ऑल। तो ये देखिए 20 × 10 की आपकी की कट गई है और ये आपकी पूरी तैयार हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।